ओम श्री गणेश जय नमः। दोस्तों ओम गणपति समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हम आज बात करने वाले 10 सितंबर शुक्रवार आज के मिथुन राशि फल के बारे में कि आज के दिन इनको किन चीजों से फायदा होगा और किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा और साथ ही इनका बिजनेस और व्यवसाय कैसा रहेगा, कैरियर कैसा रहेगा, घर परिवार कैसा रहेगा और इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी और साथ ही स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण जानकारी भी हम आपको देंगे और आज के दिन को और भी अच्छा और बेहतर बनाने के लिए एक उपाय भी बताएंगे। दोस्तों वीडियो आगे शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन की बेल को भी दबाएं जिससे आप तक समय समय पर नई नई महत्वपूर्ण वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कैसा रहेगा आज का दिन। पहले बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या पॉजिटिव रहने वाला है। दोस्तों आज आपको पारिवारिक जिम्मेदारियां कम मिलेंगी, माता पिता से संबंध अच्छे होंगे तथा माता पिता से सहयोग भी आपको प्राप्त होने की प्रबल संभावना है। कामकाज की दृष्टि से एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना उत्पन्न हो सकती है जिससे घरेलू विकास के साथ साथ बाहर के कामकाज के क्षेत्रों में भी घर परिवार का सहयोग प्राप्त होने की संभावना बन रही है। दोस्तों घर परिवार में हर तरह की खुशियां प्राप्त हो सकती हैं, परंतु इसके लिए आपको पूर्ण विश्वास के साथ अपने कामकाज को बेहतर दिशा देने की कोशिश करनी होगी। आज आपका भाग्य अच्छा साथ देगा, परंतु भागदौड़ की स्थितियां आज आपके लिए ज्यादा बन सकती हैं, सावधान रहें। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। दोस्तों पारिवारिक दृष्टि से एक दूसरे का सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है, अतः समय पर स्थिति को देखते हुए प्रेम संबंधों को बेहतर दिशा देने का प्रयत्न करें। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आज आपका व्यवसाय और कैरियर कैसा रहने वाला है। दोस्तों आज का दिन मिला जुला रहेगा, कारोबार में बाधाएं आ सकती हैं और कार्य क्षेत्र में काम की अधिकता बनी रहेगी। दोस्तों आज वाहन चलाते समय आप विशेष रूप से सावधानी बरतें और साथ ही साथ पैसों के लेन देन में भी आप सावधान रहें, आपके लिए यह अच्छा रहेगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। दोस्तों पेट से संबंधित तथा चोट चपेट इत्यादि लगने की संभावना आज बन सकती है। दोस्तों ऐसे में अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखना आपके लिए अत्यंत ही आवश्यक है। दोस्तों अपने स्वास्थ्य को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें, प्राणायाम करें और स्वस्थ रहें।